सो बेटा हाँ गारंटी जी सर, टॉपिक हमारा टॉपिक है। यहाँ पे हमारे पास दो केसेस होते हैं। पहला क्या है, गारंटी गिवन बाय फर्म, गारंटी गिवन बाय फर्म, एंड दूसरा है गारंटी गिवन बाय स्पेसिफिक पार्टनर्स, गारंटी गिवन बाय स्पेसिफिक पार्टनर्स। ओके, अब इनके अंदर है क्या, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, हमारा काम क्या है, इनकी अकाउंटिंग करना, ठीक है। अब इनकी अकाउंटिंग कैसे होती है, वी आर गोइंग टू लर्न। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा टॉपिक नंबर ए, देन हम बी पर चलेंगे। ओके, तो हम टॉपिक नंबर ए के बारे में डिस्कस करने वाले, गारंटी गिवन बाय फर्म। देखिए एक छोटी सी कहानी है। अगेन हमारे दो पार्टनर्स है, एक पार्टनर था ए, दूसरा पार्टनर था बी, ठीक है। एक और नया पार्टनर हम बना लेते हैं, दैट इज पार्टनर सी। अब हुआ क्या, ए और बी पार्टनर्स थे, सी को हमने पार्टनर बना लिया। हमने कहा चलो भाई तीनों पार्टनर्स बन गए, अब तीनों बिजनेस करेंगे। लेकिन सी के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ कि सी विल नॉट बियर लॉसेस, सी विल नॉट बियर लॉस, सी को नुकसान बियर नहीं करना है। अगर कोई भी नुकसान होता है तो कौन बियर करेंगे, ए और बी। सी नुकसान बियर नहीं करेगा। क्या ये एक वैलिड पार्टनरशिप है? अगर आपको कोई भी डाउट है इस बारे में तो आप फर्स्ट क्लास उठा के देखो एक बार, ये एक वैलिड पार्टनर है, वैलिड पार्टनरशिप है। कैसे? क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग मैंडेटरी होता है, लॉस शेयरिंग मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम इसको लॉस नहीं दे रहे, लेकिन हमने क्या बोला इसको, हमने कहा इसको हम गारंटी दे रहे हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब गारंटी ऑफ प्रॉफिट, देखिए भाई फर्म को चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, तुझे 1 लाख रुपए पर एनम मिलेगा, 1 लाख रुपए पर एनम, ठीक है। उसको 1 लाख मिलना ही मिलना है साल का, चाहे फर्म को फायदा हो या नुकसान हो, ठीक है। 1 लाख मिनिमम मिलना ही मिलना है, ठीक है। ये मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दे दी हमने उसको। किस चीज की? मिनिमम प्रॉफिट की। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, गारंटी कौन दे रहा है? क्या अभी तक की कहानी में आपको पता चल रहा है कि गारंटी दे कौन रहा है? फटाफट मुझे आंसर करो, क्या अभी तक की कहानी के अंदर आपको पता चला कि गारंटी कौन दे रहा है? ठीक है, जब हमें यही नहीं पता होता कि गारंटी कौन दे रहा है, तो इन दैट केस गारंटी इज गिवन बाय फर्म। ये हमारी अजम्पशन होती है कि गारंटी किसने दी है, फर्म ने गारंटी दिया। ओके ठीक है। अब सर, फर्म, फिर तो सारे मेंबर्स वही करा लेंगे गारंटी बाय प्रॉफिट, ताकि कोई लॉस ही ना भरे। बेटा ऐसा नहीं है ना, उस मेंबर की कोई क्वालिटी होनी चाहिए, उस कोई पार्टनर की क्वालिटी होनी चाहिए कि हम उसको इस कंडीशन के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं। समझ आ रही है बात? कि अब अंश है, अंश अच्छा बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, ठीक है, बहुत अच्छी खासी नॉलेज है, और वो अपना काम छोड़ के हमारे पास आ रहा है, तो इन दैट केस वो काम छोड़ के क्यों आएगा अगर उसको रिस्क ही लेना है? तो वो हम सोच समझ के करते हैं। पार्टनरशिप, याद रहे, पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है, जो हम चाहते हैं हमारे बिजनेस में होना चाहिए, हम उसका एक एग्रीमेंट बना लेते हैं, ठीक है, आपस में सहमत हो जाते हैं, और उसका हर चीज का रीजन होता है, ठीक है। सपोज आपने एक नया इंस्टीट्यूट खोला और आप मुझे पार्टनर बनाना चाह रहे हो, ठीक है, और मैं बोल देता हूँ कि बेटा मैं पार्टनर तो बन जाऊंगा, लेकिन मैं लॉस वॉस नहीं बियर करूंगा, प्रॉफिट होगा तो लूंगा, तो आप बिल्कुल एग्री कर जाओ। क्यों? मेरा एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि सर अगर बन गए तो एटलीस्ट अकाउंट्स का बच्चा नहीं जाएगा कहीं भी, अगर हम सर को पढ़ाने के लिए देते हैं। क्लियर है बात? आर यू गेटिंग? हाँ जी सर, यस सर, यस चलिए सर, अब आगे यस चलते सर, हैं, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है गारंटी गिवन बाय फर्म, गारंटी गिवन बाय फर्म। ओके, तो एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, ठीक है, ए बी सी पार्टनर्स हैं इन 532, ठीक है। ए बी सी एंड ए बी सी पार्टनर्स है 532 में, एंड दे अर्न प्रॉफिट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2019-20। 1920 में उन्होंने प्रॉफिट अर्न करा, एंड द प्रॉफिट वॉज 5 लाख, 5 लाख का प्रॉफिट अर्न करा, ठीक है। अब बात करते हैं सी के बारे में। सी वॉज गिवन गारंटी, सी वॉज गिवन अ गारंटी दैट हिज मिनिमम प्रॉफिट शेल नॉट बी लेस देन ₹1 लाख पर एनम, कि उसके मिनिमम जो प्रॉफिट है वो 1 लाख पर एनम से कम नहीं होंगे। अब हमने क्या करना है, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, हमने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, ठीक है। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हम कौन से अकाउंट से दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से, ठीक है। तो
तो उससे पहले मैं आपके साथ कुछ वर्किंग्स करूंगा, ठीक है? देखिए, सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए प्रॉफिट कितना हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है 5 लाख, ठीक है? अब इसको फटाफट एबीसी में मार दो, 5, 3 और 2 में। ए को कितना मिलेगा? दैट विल बी 5/10, जो होता है 2.5 लाख। बी को कितना मिलेगा? दैट इज 3/10, जो होता है 1.5 लाख। और सी को कितना मिलेगा? दैट इज 2/10, जो होता है 1 लाख। क्या सी खुश है या दुखी है, पहले मुझे ये बता दो। क्या उसको उसका मनचाहा प्रॉफिट मिला, हाँ या ना? नो डेफिशिएंसी, इस केस में कोई डेफिशिएंसी नहीं आई। सी को जितना प्रॉफिट देना था, मिनिमम गारंटी थी, वो फुलफिल हो गई है, ठीक है? अब इसी का हम केस नंबर 2 बना रहे हैं। इफ मिनिमम प्रॉफिट, सॉरी, इफ प्रॉफिट अर्न बाय फर्म, फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न करा है वो है 4 लाख। 4 लाख का प्रॉफिट अर्न करा, अब फटाफट इस प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर प्रॉफिट 4 लाख है, इसको आप फटाफट डिस्ट्रीब्यूट करिए, ठीक है? ए को कितना मिलेगा? दैट इज 5/10, 5/10 कितना हो जाएगा? 2 लाख। बी को कितना मिलेगा? दैट इज 3/10, 3/10 कितना हो गया? दैट इज 1,20,000। और सी को कितना मिलेगा? सी को मिलेगा 2/10, दैट विल बी 80,000। ओके, 80,000। नाउ अब यहाँ पे दिक्कत वाली बात आ गई, क्योंकि यहाँ पे हमने उसको प्रॉमिस करा था कि हम उसको 1 लाख रुपया देंगे, तो डेफिशिएंसी कितने की आ गई? 20,000। अब ये गारंटी किसने दी, ठीक है? एक बार अगर आप क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन के अंदर कहीं भी लिखा है कि गारंटी किसने दी है या नहीं दी? नहीं, सी वॉज गिवेन अ गारंटी, सी को गारंटी दी गई, लेकिन किसने दी ये कहीं भी नहीं लिखा। तो दिस इज कॉल्ड गारंटी गिवन बाय फर्म। ये गारंटी जो दी है ये फर्म ने दी है, ठीक है? क्लियर है बात? एजम्पशन है। और फर्म के अंदर बचा कौन? फर्म के अंदर 2 लोग रह गए, ए और बी, ठीक है? तो आप एक नोट भी लिख सकते हैं इसके साथ साथ, ठीक है? फटाफट एक नोट लिखेंगे आप, और वो नोट क्या रहेगा? नोट, इफ गारंटी इज गिवन बाय फर्म, गारंटी इज गिवन बाय फर्म, In this case, deficiency, जो deficiency होती है, is borne by remaining partners, जो remaining partners हैं, वो bear करेंगे in their respective PSR. PSR का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या आपको मेरी बात समझ आई? अब देखिए, yes, इनका रेशियो क्या था? 5, 3 और 2। सी को हटा दो, बचे कौन? ए और बी, ठीक है? तो अब ए और बी का आपस में रेशियो क्या है? 5:3, मतलब 5/8 और 3/8। ओके, तो इस 20,000 को ए और बी बियर करेंगे, ठीक है? किस रेशो में? 5/8 और 3/8। क्लियर है बात? तो मतलब ए जो बियर करेगा वो करेगा 20,000 का 5/8। तो 20,000 का 5/8 कितना हो गया, एक बार बताना फटाफट? 12,500, ठीक है? 12,500 ए देगा, और बी कितना देगा? 20,000 का 3/8, या फिर बचा हुआ अमाउंट, ठीक है? दैट इज 7,500। ओके, तो अब हमने करना क्या है, इससे 12,500 काटने हैं और इससे 7,500 काटने हैं। तो इनको कितना मिला? 1,87,500, और इसको कितना मिला? 1,12,500, और सी को कितना मिला? 20,000, दैट विल बी 1 लाख, ठीक है? तो इनको ये अमाउंट जो है हमने, ठीक है, ये जो अमाउंट है इनको हमने क्रेडिट करना है, ठीक है? इनको हमने देने हैं, ठीक है? 1,12,500, 1,87,500। फटाफट इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है? फटाफट इसका फॉर्मेट बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है? तो ए को कितना मिला फटाफट बताइए? 1,87,500 इसको मिला था। बी को कितना मिला था? 1,12,500, और सी को कितना मिला था? 1 लाख।
देखो कितना सही बना ये हमारा अकाउंट, क्योंकि हमने इसके अंदर कैलकुलेशन अलग से कर ली थी। अगर हम कैलकुलेशन अलग से ना करते, इसमें दिखाते, तो थोड़ा सा मैसी हो जाता। ठीक है जी, क्या आपको इतना समझ आया? यस सर। ठीक है, एक बार मैं आपके साथ वर्किंग नोट्स फिर से शेयर कर देता हूँ। ये आपके वर्किंग नोट्स आप देख लो हमने कैसे बनाया है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन हम और करते हैं, क्या मैं आगे चलूँ? नहीं सर, 2 मिनट रुक जाओ। केस नंबर 3 के अंदर अगर हमारा जो प्रॉफिट है, अगर मैं प्रॉफिट को कर देता हूँ, प्रॉफिट की जगह मैं लॉस कर देता हूँ, प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस है। ठीक है, लॉस आ रहा है हमारा 1 लाख का, तो इन दिस केस व्हाट वी विल डू? तो अब देखिए, अब यहां पर हमारे पास लॉस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? लॉस को हम तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे पहले। ठीक है, तो यहां मैं लिखाऊंगा स्टेप नंबर 1, अगर लॉस आता है तो क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट लॉस। आप लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स के बीच में आप लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अब लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? 5-3-2 में, तो 50,000 का इसको नुकसान हुआ, 30,000 का इसको नुकसान हुआ, और 20,000 का इसको नुकसान हुआ। ठीक है, अब मैं इसकी आपको जर्नल एंट्री भी साथ साथ ही करवा रहा हूँ। ठीक है, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी फटाफट बताइए मुझे, जिसको आती है वो बता सकता है मुझे। लॉस को बांटने की जर्नल एंट्री क्या होती है? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, तीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। तीनों के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, 50,000, 30,000 और 20,000 से। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 1 लाख। क्या आपको मेरी ये बात समझ आ गई? ठीक हाँ जी सर। है, अब गारंटी, गारंटी कितनी दी थी हमने उसको? 1 लाख की। 1 लाख की। तो डेफिशिएंसी कितनी की आ गई पता है आपको? अब डेफिशिएंसी का अगर अमाउंट निकालोगे तो डेफिशिएंसी कितनी की आ गई? 1 लाख तो वो देना ही देना है। ठीक है, साथ साथ ये जो 20,000 रुपए का इसने नुकसान बियर करा है, ये भी तो इसको वापस करोगे, हाँ जी। समझ आई बात? तो अब जो डेफिशिएंसी आई है वो 1,20,000 की आई है। क्लियर है बात, समझ आया? अब ये 1,20,000 ए और बी 5:3 के अंदर सी को देंगे। ठीक है, और उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? उसकी एंट्री देखिए, ए और बी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल की जगह करंट अकाउंट भी आ सकता है अगर कैपिटल फिक्स हो तो। सीज करंट अकाउंट, सॉरी, सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब फटाफट 1,20,000 को 5:3 में बांटो, ये आ जाएगा 75,000 और 45,000। तो ये जो पैसा है 45,000, सॉरी, 75,000 और 45,000 रुपये, ये हम सी को देंगे। ठीक है, 1 लाख किस बात का? जो उसकी गारंटी प्रॉफिट है, और 20,000 जो उसको लॉस हमने दिया है। तो ये सारा पैसा हमें उसको वापस करना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 2 क्या हो गया? स्टेप नंबर 2 यहां पे आ गया, डेफिशिएंसी विल बी बॉर्न बाय रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर्स। अब यहां डेफिशिएंसी का अमाउंट क्या होगा? डेफिशिएंसी का अमाउंट जो होगा वो क्या होगा? जो प्रॉफिट है, गारंटेड प्रॉफिट, गारंटेड प्रॉफिट प्लस लॉस अमाउंट। ठीक है, इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए। ठीक है,